नए साल 2024 के आने में अब केवल गिने चुने ही दिन बचे हैं। नए साल 2024 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन तीन ऐसे बदलाव होंगे जो ऐतिहासिक होंगे। सबसे बड़ा तोहफा तो देशवासियों को अगले महीने की 22 तारीख को ही मिल जाएगा। अगले महीने की 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा होने वाला है। और देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बीजेपी के चुनावी वादों में भी एक रहा है। अब भाजपा का यह सबसे बड़ा वादा पूरा होने वाला है। और देखिए, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाने का भी वादा किया था। और अब 4-5 महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि 22 जनवरी को जब पीएम अयोध्या की धरती पर होंगे तब देशवासियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि यह दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस मौके को बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी और इस दिन देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान पीएम के साथ दिखाई देंगे। वहीं देखिए, अगले बड़े बदलाव की बात करूं तो 2024 का साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मई जून में लोकसभा चुनाव है। इसी वजह से सरकार अब बड़े फैसले लेने वाली है। सरकार फरवरी में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश करेगी और इसी बजट में बीजेपी लोक लुभावन वादों को पूरा करने का मौका नहीं चूकेगी। जितने भी ये जो अभी विधानसभा चुनाव में बड़ी घोषणाएं हुई है, जैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रूपए, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी काफी सारी घोषणाएं हुई है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो महिलाओं और किसानों के लिए घोषित योजनाओं को बजट के माध्यम से ही बीजेपी पूरा करेगी। यानी कि नए साल का जनवरी का महीना और उसके बाद फरवरी का महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं देखिए, बड़ी जानकारी तो आपको यह भी दे दूं, 2024 में क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। सिम कार्ड लेने में नए नियम लागू हो गए हैं और इनकी हम बात भी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा साल 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी। भजनलाल शर्मा क्या बीजेपी को राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जीतवा पाएंगे? पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है और अब कहीं न कहीं जिम्मेदारी नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर है। और भजनलाल शर्मा इस बात को जानते भी है, इसी वजह से राजस्थान बीजेपी ने यहाँ पर मेगा प्लान बनाना शुरू कर दिया है और बीजेपी यह प्लान 2024 में ही उतारेगी। माना जा रहा है कि 2024 के शुरुआत में ही बीजेपी ने गरीब कामगार सहित हर तबके तक नई योजना पहुंचाने के लिए नया मेगा प्लान तैयार किया है और 2024 की शुरुआत में ही महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना आ सकती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है। ऐसे में बीजेपी महिलाओं को सीधा लाभ देकर लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए उतरेगी। और 2024 वैसे ही ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि यही साल तय करेगा कि अब अगले 5 साल प्रधानमंत्री कौन रहेगा। यही साल तय करेगा नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे या नहीं। इसी वजह से साल 2024 में कई ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं।